नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आ रहा है। हमारा कंप्यूटर ऑन तो हो रहा है मगर उसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो क्या कारण होता है? आपने देखा कि कंप्यूटर आपने ऑन किया है मगर डिस्प्ले नहीं आया, मगर आपको बीप ऑफ सुनाई दिया, टू की आवाज़ आती है, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमने कंप्यूटर को आगे की तरफ धकेलना है और इसकी बैक साइड ये चेक करना है जो इसकी केबल है, ये इसकी वीजे केबल होती है, तो इसको आपने टाइट करके लगाना है। टाइट करके आपने लगाना है। तो जैसे ही हम टाइट करके लगाते हैं तो अगर हमारा डिस्प्ले आ जाता है तो इसका अर्थ है कि हमारी जो केबल थी वो लूज थी। नंबर दो, फिर आपने मॉनिटर में देखना है, मॉनिटर में अगर फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस तार को फिर से टाइट करना है और इसकी रैम निकालनी है। रैम निकाल कर देखना है रैम कैसी होती है। ये तो रैम निकाल कर फिर भी नहीं आ रहा है, फिर इसको लगाना है कि फिर भी नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ है आपका जो मॉनिटर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि अगर हम कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं और ऑन करने के बाद कंप्यूटर में बीप तो आ रही है मगर उसमें डिस्प्ले नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।